पिछले 50 दिनों से देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में कई सारे बिहार के मजदूर और छात्र बिहार से बाहर फंसे हुए हैं। ऐसे में एक अच्छी खबर आज सिवान के लोगों के लिए आई है, जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन सिवान पहुंची। जैसा कि कल ही खबर मिल गया था कि कोटा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन छात्रों को लेकर सिवान के लिए रवाना हो चुका था, ऐसे में कल से ही सिवान में इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई थी और सिवान स्टेशन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। वहीं स्टेशन के बाहर छात्रों का जांच करने के लिए कई काउंटर बने हुए थे और सैकड़ों बस और गाड़ियां लगी हुई थी। करीब 2:30 बजे के आसपास जैसे ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन सिवान पहुंची, मानो छात्रों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और खुशी हो भी क्यों ना, लगभग 2 महीनों से अपने घर जाने को बेताब छात्रों को आगमन जो आज सिवान में हो गया था। सिवान स्टेशन पर ट्रेन आने से पहले ही सिवान जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे अपने दल बल के साथ सुबह से ही लगे हुए थे और साथ ही साथ सैकड़ों पुलिसकर्मी भी ड्यूटी पे तैनात थे। बस के सिवान पहुंचने के बाद सभी बच्चों को जांच के बाद उनको बस के द्वारा उनके प्रखंड में भेज दिया गया। साथ ही साथ सैकड़ों बच्चे ऐसे थे जो गोपालगंज और मोतिहारी के थे, जिनको बस में बैठा कर गोपालगंज और मोतिहारी भेजा गया।